पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर शुक्रवार अचानक विदेश चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के कारण ही दिवंगत सिंगर के माता पिता ने देश छोड़ा। हालांकि अब जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश जाने का दूसरा कारण मूसेवाला कई देशों में फैला कारोबार भी माना जा रहा है। खबर है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पिछले हफ्ते ही जानकारी दी थी कि उनके बेटे का कई देशों में कारोबार है और वह उसे 2 महीने में समेटने के लिए जाएंगे। हालांकि उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। शूटर अजय लॉरेंस के नाम से यह धमकी सिद्धू मूसेवाला के ईमेल आईडी पर भेजी गई। इसे सोप्पू ग्रुप से चेतावनी बताया गया है। धमकी देने वाले ने लिखा, सुनो सिद्धू मूसेवाला बाप, लॉरेंस गैंग जग्गू भगवानपुरिया हमारे भाइयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेगा तो पता भी नहीं लगेगा, तुझे मारकर चले जाएंगे। तू और तेरा बेटा इस देश के मालिक नहीं हो, जो तुम चाहोगे उसे सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने हमारे भाइयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मार दिया, हम भूले नहीं है। मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा का फेक इनकाउंटर हुआ है, तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह सब तेरे दबाव में हुआ। सो की बात है, एक बार अगर तू ज्यादा बोला तेरा हाल सिद्धू से ज्यादा भयानक होगा। सिद्धू मूसेवाला पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे, वहीं से उनका प्रोफेशनल म्यूजिक करियर शुरू हुआ। कनाडा में उन्होंने अपना पहला गाना जी वगन रिलीज किया था, जिसके बाद लाइव परफॉर्मेंस भी दी थी। अक्टूबर 2018 में मूसेवाला पहला एल्बम PBX1 आया था। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला 29 मई को मानसा में बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली थी। सिद्धू मूसेवाला हत्या बाद से जिस तरह पुलिस हथियारों को पता लगाने में जुटी है।